गाइस लेट्स स्टार्ट इंडी है हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं यानी दर्शन रावल लेकर आया हूं एक अमेजिंग माइंड ब्लोइंग शो जिसका नाम है इंडी है हम, जिस पर हम सब सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और आज मैं ऐसे ही एक अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से आपको मिलवाने वाला हूं, जिनका एक गाना जब आया था तो जितने लोगों का दिल टूटा हुआ था उनके लिए ये गाना एंथम बन गया था। आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा गाना है। तो आइए मिलते हैं उनसे, कम ऑन लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको एक अमेजिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ। लेट्स वेलकम द वेरी अमेजिंग द वेरी टैलेंटेड नेशंस हार्टथ्रॉब माय ब्रदर माय फ्रेंड गजेंद्र वर्मा। हाय मैन, व्हाट्स अप ब्रदर? गुड गुड। मुझे याद है कुछ सालों पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे पास एक कहानी आई थी और डेडली कहानी आई थी कि एक लड़का है IIT में पढ़ता है रोहन राठौड़ करके और उसको कैंसर है और उसने एक लड़की के लिए ये गाना लिखा है। ऐसी कहानी करके मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया, मैं बहुत हार्ट फेल्ट, आई लव द सॉन्ग, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट सॉन्ग और हर जगह सर्च करता रहा एंड दैट सॉन्ग वाज अ रेज। सो लेटर स्टेज में मुझे पता चला कि इट इज योर सॉन्ग, बहुत मैंने ढूंढा पर उस वक्त शायद व्हाट्सएप सब नया नया आया था, यूट्यूब भी नया नया था, मतलब। सो आई वांट टू नो व्हाट्स योर स्टोरी बिहाइंड दैट, क्या हुआ था एक्चुअली? सो मैं भी कॉलेज लास्ट ईयर में ही था तब और मैंने आई वाज डूइंग ऑडियो इंजीनियरिंग, तो मेरे कॉलेज के स्टूडियोज में ही मैंने गाना रिकॉर्ड किया और वहाँ से लीक हो गया गाना। और जब इंटरनेट पे लीक हुआ तो ये स्टोरी साथ में, आई डोंट नो किसने लगाई, क्या लगाई, कैसे फैली, और आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन दैट टाइम। मैंने कहा यार पहला गाना है और किसी और का नाम है। द ओनली थिंग जो अच्छी थी उस टाइम पे कि यार वॉइस मेरी थी, सो ये नहीं था कि किसी ने दोबारा गा दिया और यू नो चेंज करके गा दिया, एंड सो दैट वाज गॉड, किसी ने नहीं किया, एब्सोल्युटली वो नहीं हुआ। बेसिकली वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ये गाना लीक हुआ उससे क्या हुआ इज दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड यू नो आई वांट टू डू इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज इट वाज माय सॉन्ग, मेरा गाना था जो लोगों को इतना पसंद आया, उससे मुझे लगा कि यार आई वांट टू डू दिस, दिस इज व्हाट आई एम, you know, I am a singer songwriter. So bro, I really love your music videos. मुझे आपके music videos बहुत अच्छे लगते हैं. And what I've seen also कि जो पहले के music videos थे और अभी के हैं, I think slowly you're growing. Yeah. Tell them the real struggle, how it was started और कैसे वो जो बड़े-बड़े music video बनाने में कैसे क्या. So I think 4-5 साल पहले की बात है. So all my friends used to come on the set. They used to help me in the production. They've been part of all my videos. So it was like, we wanted to do the best. For an independent artist, what we have is, you know, we release songs. That's what we do. Like, aur koi hamara kaam hi nahi hai. We just make song and we release it. So video is like a presenting it to the people. And we, the team, my brother, he directs all my videos. Okay. So we try to improve every video we can, you know. But mera ek aur sawal tha, jaise maine gana kiya tha Saari Ki Saari, which is really very close to my heart. Aur mujhe laga ye gana bahut acha karega. Absolutely. It's going to kill it. Ye the song came out and utna nahi kuch hua nahi. Absolutely. I know, I understand. I have 2-3 songs like that. Tell me which song, kaun se gaane jo bahut dil tumko laga ki yaar ye gana is going to kill it. So one of the song which I'm most proud of is Tera Hi Rahun. I think that's when you messaged me when I released that song. Wo gana maine suna aur maine bas maine wo sunna shuru kar diya. Itna khoobsurat gana Tera Hi Rahun. I texted him sunne ke baad wo share kiya. That's when we first spoke. Yes, ki ye hai independent artist. Please keep doing such amazing songs. Yeah. One interesting story about Tera Hi Rahun also. We shot a video in Jaipur and we didn't like the video. Once it came out, so we spent like money on it, but we didn't like it. And mera itna favorite gana hai wo, matlab it's like one of my most favorite. And I didn't want to let it go like that. I was like, ye tab tak nahi karunga jab tak man mera nahi hota. So that video came out and we were not liking it. Then we were like, kya kare abhi? Then we waited another 2-3 months, shows kiye. पैसे जमा किए, पैसे कमाए, फिर वापस वीडियो डाले उस पे, वीडियो पे डाले, देन वी शॉट अ वीडियो अगेन इन शिमला एंड दैट्स व्हेन वी रिलीज्ड लाइक फाइनली ब्यूटीफुल रिलीज दैट सॉन्ग।
सो अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है हैशटैग क्वेश्चन दर्शन, जहां पर मैं आपके सोशल मीडिया के सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो जो आप मुझे सोशल मीडिया पे पूछना चाहते हैं, आप लोग हैशटैग क्वेश्चन दर्शन यूज करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स आंसर। सो पहला सवाल पूछा है चीनी रावल ने, आपकी सरनेम बहुत ही कमाल है। सो उन्होंने मुझे पूछा है, योर एवरी म्यूजिक वीडियो कम्स आउट इन आउटस्टैंडिंग वे, बट वी डोंट नो वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन। There are a lot of things. We travel, we go there. 100 लोगों की टीम होती है, एक्सट्रीम सिचुएशंस में हम शूट करते हैं, जैसे कि हमने हवा बन के शूट किया। We shot it in बनारस और without security हम गए थे, और हमको लगा कि easy होगा, but the weather was not helpful. It was 41 degree, then it was raining. So lot of things were happening. So shoot बहुत difficult होते हैं, बहुत बड़ी टीम साथ में होती है, so ये सब होता रहता है behind the scenes. सेकेंड क्वेश्चन है जो मानसी ने पूछा है, हाउ डज इट फील व्हेन यू सी एंड हियर सो मेनी पीपल स्क्रीमिंग योर नेम इन योर कॉन्सर्ट। सो लेट मी टेल यू मानसी, मैं जब 7th-8th में था, तो रात को सोने से पहले मैं आंखें बंद करके सोचता था कि एक बड़ा स्टेज होगा, और स्टेज पर जाने से पहले बैक स्टेज पर लोग मेरा नाम चिल्ला रहे होंगे, मैं स्टेज पर जाऊंगा और फुल एनर्जी के साथ आई विल सिंग सॉन्ग्स, मेरे म्यूजिक वीडियोज होंगे। सो एवरी डे आई यूज्ड टू ड्रीम दिस। अब सच में एक्चुअली व्हेन आई गो टू अ कॉन्सर्ट, तो बैक स्टेज मुझे मेरा नाम सुनाई देता है और मैं उसी तरह से आई गो एंड सिंग। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू गाइस, थैंक यू। सो अगर आपको भी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन पूछने के बाद सोशल मीडिया पे लास्ट में हैशटैग क्वेश्चन दर्शन यूज़ कर लेना, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे 100%। सो आज का मेरा सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड सॉन्ग, इंडिपेंडेंट सॉन्ग ये है जो मैं आप सबके लिए गाऊंगा। तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो, बाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। तो आज का हमारा जो इंडिपेंडेंट बैंड है उनका नाम है त्रिशूल। इट्स अ मुंबई बेस्ड बैंड जो 2016 में शुरू हुआ। ये लोगों ने 1000 से ज्यादा शोज ऑलरेडी कर दिए हैं, ना ही सिर्फ इंडिया में पर इंडिया के बाहर भी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। तो आइए लेट्स सेलिब्रेट त्रिशूल्स म्यूजिक टुगेदर। रात की गिरोह में जिंदा भी हूँ या मौत की गोद में, शहर में हुआ रात की गिरोह में जिंदा भी हूँ या मौत की गोद में, मेरे खुदा सही मंजिले जो है कही, आरज़ू इतनी मेरी आज मुझको करता, मेरे खुदा
चलती है दुनिया मेरी, जो तेरी रहमत हो, तेरी इबादत हो, बन जाए जिंदगी। मुझको बता जो तेरा है ये रास्ता, जो गुमशुदा हसरतें अब है यही, हो तुझसे ही अब वास्ता। मौत की गोद में। ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। सिट, बैठो। अमेजिंग, आई लव्ड इट। सो प्लीज इनको फॉलो कीजिए, इनके म्यूजिक को फॉलो कीजिए, और हम मिलते रहेंगे कुछ अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ। ऑन इंडी हैं हम, और अगर आपको भी लगता है कि आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक करते हैं, यू हैव इट इनसाइड यू, तो प्लीज़ आपकी वीडियो पोस्ट करें और रेड एफएम इंडिया को टैग कर दीजिए। शहर में थैंक यू सो मच।